कर यार, हमको जाके भुजिया भी बनाना है, पूरी भी बनाना है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया। मी आयुषी। टुगेदर वी प्रियाशी। मरे बोलो। अच्छा, हमको ही बोलना था ना यार, इतने दिन से वीडियो बना रहे ना, फिर भी कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट। एक्चुअली क्या है ना, हम मन में कैलकुलेट कर रहे थे कि आगे वीडियो में यार बोलेंगे, दोस्तों बोलेंगे, गाइस बोलेंगे, उसी कैलकुलेशन में रह गए। और लड़की सुधर रही है। दिक्कत हो गया हमको, इतनी पुरानी आदत है, ऐसे कैसे जाएगी, पर जाएगी। आई विल वर्क ऑन दैट। तो दोस्तों, आज की वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली है। ऑब्वियसली BTS एंड ब्लैक पिंक के बारे में होने वाली है। और हम इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि अभी से ही फंबल होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमेशा आप लोग पूछते हो ना कि दीदी आप लोग आर्मी हो कि नहीं हो। ऑब्वियसली हम लोग आर्मी है, बट हमें ना कभी मौका नहीं मिला रानी कि हम लोग अपना प्यार को दिखाए। तो लो, आज की वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है BTS को एंड ब्लैक पिंक को। और पता है आप लोगों ने पार्वती माँ में जब दीदी मेरे को ट्रांसफॉर्म की थी, उस वीडियो को आप लोगों ने कितना प्यार दिया। मतलब इससे समझ में तो एक बात आ रही है कि आप लोग, हम लोग जो भी अगर लुक क्रिएट करते हैं ना, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो हम लोग सबसे पहले ये सोचे ना कि क्यों ना कोरियन से इंस्पायर और यू नो पर्पल लुक रिक्रिएट करें। और या लैवेंडर से तो प्यार आप लोगों को पता है। तो अभी हम लोग कुछ डिसाइड नहीं किए हैं कि हम लोग कैसा मेकअप करेंगे या फिर क्या पहनेंगे, हर कुछ अभी डिसाइड करना बाकी है। स्टॉप, थोड़ा कम धक्का मारो, मेरे को कम हिलाओ, इतना एक्साइटेड है मेरा कैमरा। ऐसी क्यों हो रहा है बहन, प्लीज आराम से। तो आज की वीडियो में जो भी हम लोग मेकअप करने वाले ना, एकदम ब्रांड न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करके करने वाले। तो सबसे पहला काम है ड्रेस सेलेक्ट करना। ऑब्वियसली हम लोग पर्पल सब कुछ पहनने वाले हैं। वी पर्पल यू ऑल। हमारे पास कुछ लैवेंडर कपड़े हैं और हम लोगों को डिसाइड करना है कि इस लैवेंडर कुछ चाहिए था। आप लोगों को पता है क्या, अभी जस्ट जो कबर्ड खोले ना, हम ये टॉप खोज खोज के पागल हो गए थे और ये मिल नहीं रहा था। खैर, ये हमारा लैवेंडर वाला सेक्शन है और यहाँ हमारे कुछ लैवेंडर कपड़े हैं और हमें इनमें से डिसाइड करना है कि हमें क्या पहनना है। इसके अलावा दो और लैवेंडर टॉप है जो कि नहीं मिल रहा है। पता नहीं यार कहाँ कहाँ तुम रख देती हो। तो हम लोग पहले डिसाइड करें। आई थिंक हम तो यही पहनने वाले हैं। आहो, निकलो भाई। इसलिए इतना टाइम से ढूंढ रही थी इसको, अब मिल नहीं रहा था। पूरा कबर्ड खराब कर दिए केवल इस छोटे से टॉप को खोज खोज के। अब ये फंस गया, यही तो प्रॉब्लम है। आई एम गोइंग टू वेयर दिस। और अभी रानी के लिए निकालते हैं। आई थिंक रानी तुम ये पहनो, सैटन वाला शर्ट। नहीं दीदी, नहीं, बहुत गर्मी लगेगा मेरे को। तो आई थिंक फिर तुम ये पहनो, ये बो वाली ड्रेस। हाँ, ये हम कभी नहीं पहने, तो शायद हम इसको पहन सकते हैं। ये बहुत प्यारा है। और ये गिफ्ट कौन दिया था मैडम, तुम पहन पाओगी? हटेगा? इट वाज सपोज्ड टू बी योर्स बट नाउ इट्स माइन। नहीं देखो, हमने स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है और स्किन केयर अभी हम लोग। हाँ, तुम्हारे स्किन शाइन भी कर रहा है। हाँ, तो आप लोग बहुत पूछते हो ना कि दीदी स्किन केयर की वीडियो डालो, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। खैर, अब फटाफट से चलते हैं स्टूडियो में। नहीं, अभी ज्वेलरी डिसाइड करना है, इयररिंग डिसाइड करना है, सब कुछ। चलो स्टूडियो में चलकर दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। हाँ, लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलो दीदी ट्रांजिशन स्टार्ट। अरे सो जी, हम लोग आ गए स्टूडियो में अच्छी लाइटिंग के साथ। अब आप लोगों को ना लाइटिंग को लेकर के कोई शिकायत नहीं होने वाली है। और हमारे सामने है मेकअप का पिटारा और ये सारे नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी तक हमने वीडियो में नहीं यूज किया है, और तो एक आध बार पर्सनल लाइफ में यूज कर लिया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले रानी, तुम मेरे को ये बताओ कि BTS में या फिर K-pop आइडल में से तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरे को यार एक्चुअल में ना BTS तो पसंद है, पर ब्लैकपिंक की तरफ मेरा जो थोड़ा सा प्यार का झुकाव है ना, वो झुका हुआ है। तो मेरे को ना लीजा बहुत प्यारी लगती है यार, वो कितनी क्यूट है और वो जो डांस करती है और उसके जो मूव्स है ना यार। और दीदी सेम क्वेश्चन तुमसे हम पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे को ना BTS ज्यादा पसंद है एंड BTS में से आई लव जंगकुक। हाँ, जंगकुक क्यूट है, बहुत प्यारा है। और आप लोग बताना कि आपका फेवरेट K-pop आइडल कौन है, कमेंट सेक्शन में नाम लिख करके जरूर जाना, अदरवाइज भगवान पाप देंगे। तो दीदी जल्दी से अब हम लोग ना वीडियो स्टार्ट करते हैं मेकअप का, क्योंकि पता है अगर चुगली करने बैठते हैं तो हम लोग कितना ज्यादा आप लोगों को पका देते हैं। नॉन स्टॉप चुगली, सीरियसली। तो दीदी सबसे पहले प्राइमर लगा रही है, और वैसे हम लोग ना मॉइस्चराइजर लगा लिया है ना, आप लोगों को बता देते हैं।
और यार पता नहीं यार कोरियन के स्किन्स इतने अच्छे कैसे होते हैं दीदी, हमको तो समझ में नहीं आता, एकदम यू नो ग्लास जैसा शाइन करता है वो लोग का स्किन, क्योंकि वो लोग ना मेकअप से ज्यादा स्किन केयर पे ध्यान देते हैं, तो इसीलिए हमने भी स्किन केयर ऑफ कैमरा अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर मेकअप करने वाले हैं, मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं हम लोग जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग अच्छे से मेकअप कर पाए। और रानी तुम कुछ डिसाइड की हो क्या कि तुमको किस टाइप का मेकअप अचीव करना है? मेरे को ना देखा जाए तो बहुत ज्यादा बोल्ड लुक नहीं करना है, क्योंकि ना कोरियन जितने भी मेकअप होते हैं ना वो उतने ज्यादा बोल्ड नहीं होते, यू नो चौकी एंड बहुत ज्यादा ब्राइट कलर एकदम सटल होता है, लेकिन उसी में ना इतना प्यारा दिखता है ना, तो कुछ सटल में जाने वाले, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। और दीदी तुम? हम ना अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले, एकदम ग्लॉसी लुक अचीव करने वाले हैं। इनसाइड का ये जो कलर करेक्टर पैलेट पैलेट बोलेंगे या जो भी वो है, और सीरियसली ना इससे मेरे को प्यार हो गया जब से ये आया है ना, तो आप लोगों को भी, तुम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में रिकमेंड किए थे तो जरूर लेना। उसके अलावा दीदी अभी बाप रे, ये हमेशा मेरे से आगे चलती है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा दीदी तरह से पहले पैदा भी हुई है, खाती भी है एकदम फास्ट फास्ट, मेकअप भी फास्ट फास्ट, नो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम कम खाते हैं, आपको पता है ये बहुत ज्यादा खाती है। बाय द वे खाने से याद आया, आप लोग बताना कि आपने अभी तक कोरियन फूड ट्राई की है या नहीं की है, और अगर की है तो आपको सबसे बढ़िया कौन सा डिश लगा है। आज पता है रानी ना प्रोफेशनल बनने के लिए ब्यूटी स्पॉन्ज निकाल करके लाई है। हाँ हमको ना मतलब ऐसे देखा जाए तो फिंगर, लेकिन दीदी एक चीज तुम नोटिस की हो, फिंगर से करने पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, खुद कर रही है ये लड़की। हम हमेशा फिंगर से करते हैं, मेरे को ब्रश उतना सेटिस्फाई नहीं करता है, मेरे को स्पॉन्ज भी नहीं करता है। हाँ जब प्रोडक्ट एक्सेस हो जाता है ना तब आई यूज स्पॉन्ज और ब्रश, बट अगर मेरे कंट्रोल में है प्रोडक्ट तब तो फिंगर्स बेस्ट होते हैं। लेकिन नहीं यार मतलब ये ना शीन का है, ऐसे कोई ब्रांड नहीं है, पर ये बहुत अच्छा है ये स्पॉन्ज ना दीदी, और ये 3 साल पुराना और ये अभी तक देखो कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। आई मिस शीन, आप लोग बताना आप लोग शीन को मिस करते हो या नहीं करते हो, और जब भी छोटे छोटे बच्चे हुए उनको तो पता भी नहीं होगा शीन होता क्या। दीदी क्या बात कर रहे हो यार, हम झांक रहे कि लड़की कर कहां तक रही है अपना, इससे हमको आगे चलना है नहीं, आज तो नहीं होगा, आज तो हम जल्दी करेंगे। बाबू ये कॉम्पिटिशन नहीं है, आराम से कर। नहीं लेकिन हम इसको ऐसा कॉम्पिटिशन लिए हैं, मेरा भैया इज्जत है। नहीं है वो लूट चुका कब का कई बार इसी चैनल पर, यू आप देख रहे ये तुम्हारा प्रेशर बोल रहा है तुम नहीं, तो आप देखो कैसे ये ग्रे नहीं दिख रहा है ना दीदी, देखो कितना सुंदर लग रहा है कलर कलेक्टर के बाद, मतलब कलेक्टर के बाद दोस्तों ला रहे दोस्तों। अब बारी है पॉन्स की बीबी क्रीम की विथ यूमी क्रीम। यूमी क्रीम हम बहुत यूज करते हैं, आई लव यूमी क्रीम, और यार पता रहे ना प्राइस रेंज के हिसाब से ना ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिंदगी में बस मेरे को इतना कमाना है कि एक बार हम BTS के कॉन्सर्ट में जा पाए, वो भी फ्रंट सीट पे बैठ के उसका कॉन्सर्ट देख पाए। क्रीम ज्यादा निकल गया लगा लेना ना। पगली हम कंजूसी यहाँ कर रहे, और ये लड़की देखो तो थोड़ा निकल जाता है इधर उधर, थोड़ा 19-20 तो हो जाता है। 19-20 बहन 19 और 30 हुआ है अभी तक, पता है ऑफ कैमरा मेरे को डांट रही है, बताओ इतना सारा क्रीम बर्बाद करोगी, तो वही हम इसको बोले कि कोई बात नहीं, इसको ना मैनेज करने के लिए 4 दिन हम क्रीम नहीं लगाएंगे, खुश। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, गजब की औरत है यार। हमको पता है इसका जो बच्चा बच्चा होगा ना रुला देगी खाने पीने बगैर उसको, बता रहे यार सुनो ना प्रैक्टिकली बात करो, हम यू नो गृहिणी मटेरियल है। हाँ अगर घर में जिस दिन मुर्गा बन जाएगा ना फिर 4 दिन के बाद आलू खिलाएगी लोगों को। बैलेंस बैलेंस बेबी बैलेंस। यार आप खुद 1 मिनट देखो फर्क देखो। हाँ कलर करेक्टर से अंडर आई एंड स्किन में कुछ भी ना ऐसा 19-20 या फिर वो नहीं लग रहा है कि दोनों का कलर अलग है या डिसकलरेशन है स्किन में। हम आज यूज करने वाले ये मार्स का जो पैलेट है ना, पर्स आई शेडो पर्स लिखा हुआ है ना, हाँ दिखता नहीं है दोस्तों थोड़ा बहुत मेरे को, वाह देखो इसका एकदम ब्रांड न्यू है, पन्नी भी इसका पन्नी भी हम लोग नहीं हटाए, तो कौन सा कलर यार यूज किया जाए, यार नियॉन है, नियॉन देख के मेरा दिल अजीब हो जाता है, लैवेंडर भी है, ऑरेंज भी है, सारे कलर बहुत सुंदर, पिंक भी है। ये न्यू वाला ब्लश, अभी इसका ना मैजिक देखना, जरा देखो ये ब्लश आप लोग जरा देखो कितना सुंदर है, कितने अच्छे से ब्लेंड होता है। अब इसके बाद बारी है लिक्विड हाइलाइटर की, और हम यहाँ कर लिया हल्का सा कट क्रीज, और इसके बाद इसको डैब डैब कर रहे अपने फिंगर से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम
शिमर प्लेस करेंगे। तुमको जिंदगी में कटक्रीज के बारे में कुछ करने आता है क्या? आपको बहुत अच्छा लगता है यार, इसका शिमर भी आप देखो कितना अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है। अभी बारी है सबसे मुश्किल काम की, आई मेकअप की। और अभी ना आई एम थिंकिंग कि हम कुछ ग्राफिक लाइनर ड्रॉ करें, तो उसके लिए बेस पर व्हाइट कलर का आई शेडो लेकर के पहले इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि ग्राफिक लाइनर मेरा अच्छे से विजिबल हो पाए ऐसे। अभी तुम एकदम हिलना मत, तो एकदम चुप बैठो। ओके हाइलाइटर दोस्तों, मैं नहीं हिल रहा हूँ। अभी हम पूरा शांत हिलना नहीं है, चुड़ैल जैसा हंस दी। हम अपना विक्ट्री एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम दोनों आंख में लगा लिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, दुकुर दुकुर आंटी मेरे अंदर कभी कभी आ जाती है। खैर ये जो पैलेट है ना, अगर आपने वो मेकअप प्रोडक्ट हॉल वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये लिपस्टिक पैलेट है, पर इसमें जो व्हाइट कलर ना उससे हम आईलाइनर ड्रॉ कर लिए और ये मैट भी हो जाती है, सूख जाती है अच्छे से। तो ओहो अभी नहीं सूखी, मेरे को नहीं देखना चाहिए था, पर ठीक कोई बात नहीं, खुश हो गई ज्यादा, इट्स ओके। दिल का धड़कन पड़ गया वो। अभी पता है ये मेकअप करने के बाद हम लोग ना K-pop के ऊपर ही हॉरर स्टोरी भी सुनाने वाले हैं, उनके रियल लाइफ की। मतलब आज का पूरा जो वीडियो है ना वो BTS को डेडिकेटेड है भाई, हर वीडियो। हम लोगों का आप लोगों को पता है ना, करते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, सेम भाई हाल है। नहीं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। उसके बाद एक पिंक कलर की लिपस्टिक ले लो। अरे आंख भी लगा और चीटिंग करो पूरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। नहीं बहुत गंदा लगा, क्यों लगा? सी ग्लॉस लगा, तेरा नहीं हो पाया, बहुत कोशिश की पर तेरा नहीं हो पाया। नहीं मेरे में तो न्यूड नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम नहीं किए ना। ऐसा बनने के लिए ना बड़े होंठ चाहिए, इसका तो भगवान जी बस ब्लेड से काटे हैं। जलती है दोस्त। तो अब हम लोग पूरे अच्छे से रेडी होकर क्या क्या कपड़े वपड़े पहन करके, हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी के साथ, और कोई तो मेकअप फिक्सर भी नहीं लगाया, छोड़ दो यार। अजीब टाइप का ये आंख में लग रहा है, ध्यान से खोलो तो। क्यों खोले? लगा, हम बोल रहे हैं थोड़ा लगता है हल्का सा। हाँ ये चुभा, ऐसे लगा कि मिर्ची जैसा कुछ। मिंटी मिंटी बहुत ज्यादा है। क्या है बहन, हमें सामान सर याद है, हमको जाके भुजिया भी बनाना है, पूरी भी बनाना है। तो जी हम लोग आ गए फुल अटायर के साथ, ड्रेस मेकअप ज्वेलरी एवरीथिंग एंड लिप ग्लॉस भी लगा करके। एंड अभी हम पता है क्या किए, आगे वाले फ्रिंजेस को कट कर दिए। लास्ट टाइम भी हम सोचे थे अब से फ्रिंजेस कट नहीं करेंगे, पर पता है क्या हुआ था, शक्ल से कोरियन मेकअप लग रहा था और हेयर स्टाइल मेरा जापानी वाला दिख रहा था, वो नहीं लड़ता है सब लंगोट पहन के, कुंफू। हाँ एग्जैक्टली रानी भी। हाँ बस मेरे को क्या हुआ ना कि आईलाइनर ब्लैक वाला तो था नहीं, तो दीदी बस मेरे को सजेस्ट की कि थोड़ा सा आईलाइनर लगा लो व्हाइट कलर का, और थोड़ा सा अंदर भी हम न्यूड काजल लगा है, बस थोड़ा सा आईज मेरा पॉप अप हो गया है, बाकी हेयर स्टाइल यू नो थोड़ा सा बस ज्वेलरी इयररिंग, दीदी भी इयररिंग डाल ली है, तो ये हमारा फाइनल लुक है ना दीदी। आप बताना आपको कैसा लगा, क्या हमने जस्टिस किया है? मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो किए हुए है तुम। हाँ मेरे को तो पसंद आ रहा है, जो बोला हम सुंदर तो दिख रहा है। दीदी तुम्हारा भी सीरियसली इसको बहुत ज्यादा वो लग रहा था कि यार अच्छा होगा कि नहीं, बट आप एक बार दीदी आईज क्लोज करो, देखो अच्छा हुआ है। हाँ अच्छा हुआ है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हुआ है। बाय द वे आप लोग जाते समय हमें 10 में आप कितना नंबर देना चाहते हो दे करके जाना। तो अब वीडियो को खत्म करते, इसके बाद जा रहे हैं हॉरर स्टोरी बोलने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और पर्पल हार्ट जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।